जहानाबाद के विधायक चौधरी अभय सिंह चौटाला ने शहर की अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। हमारे शहर की जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं, जितने भी समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाएं हैं, उनको आईएनडी परिवार की तरफ से सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में उन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने वाली संस्थाओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। उन्होंने समाज सेवी संस्थाओं द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि समाज सेवी कार्यों में वे हर संभव सहयोग व मदद करने को तैयार हैं। उन्होंने क्षेत्र में बढ़ रहे नशे की प्रवृत्ति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए समाज सेवी संस्थाओं से इस बुराई को समाप्त करने के लिए जोरदार अभियान चलाने का भी आह्वान किया। और इसी के साथ मैं ज्यादा समय न लेता हुआ माननीय विधायक चौधरी अभय सिंह चौटाला जी से अनुरोध करूंगा। आप सबका यहाँ पूछने पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मुझे कुछ दिन पहले तिरुपति मिले और जब मिले तो मैंने उनसे पूछा था कि आप इस मिशन को लेकर के आगे बढ़ रहे हो, कैसे लोगों की सेवा कर रहे हो, कैसे अपने तरफ के साथ अनेक युवाओं को, बुजुर्गों को, माताओं को, बहनों को कैसे अपने साथ जोड़ने का काम कर रहे हो। मेरी बड़ी डिटेल से जब इनके साथ बात हुई, मैंने बताया कि इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अलग अलग क्लब बना रखे हैं, हम क्लब के माध्यम से जन सेवा करते हैं। तो मैंने ये फैसला लिया कि मुझे विधायक के नाते जो जिम्मेवारी आप लोगों ने दी, उस जिम्मेवारी को कैसे पूरा किया जाए, कैसे जिम्मेवारी को आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए मैंने इनसे भी कहा और साथियों से भी कहा कि मैं सब साथियों से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सब भी केवल और केवल राजनीतिक रूप से नहीं बल्कि सामाजिक रूप से भी बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। मैं समय में एजुकेशन के बड़े इंस्टीट्यूट चलाता हूँ और वो इंस्टीट्यूट में कमाई का धंधा नहीं बल्कि आम लोगों की कैसे सेवा हो सके, कैसे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल सके, कैसे बेटियों को शिक्षित किया जा सके। मैं ऐसी संस्थाओं के साथ जुड़ा हूँ जो इस काम को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। संगरिया में राजस्थान में ग्रामोत्थान विद्यापीठ के नाम से एक एजुकेशन का बड़ा सेंटर है जिसमें करीब 6,000 बच्चे हैं शिक्षा ग्रहण करते हैं। बाकी उस इलाके के लोगों ने मुझे 23 वर्ष पहले उस संस्था का चेयरमैन बनाया था और मेरे से पहले जो लोग उस संस्था को चलाते थे, मैं नहीं कहता कि कोई उनकी गलत नीतियों की वजह से वो संस्था कमजोर हुई, कोई भी कारण हो सकते हैं। इस किस्म के हालात थे जब मैं उसका चेयरमैन बना था कि टीचर्स की तनख्वाह देने को पैसे नहीं थे, स्कूल का जो बिजली का कनेक्शन था उसके 6 महीने के बिल पेंडिंग पड़े थे, कई लाख रुपये जो है कर्जे के रूप में संस्था पर चढ़ा हुआ था। जब मुझे ये जिम्मेवारी दी गई तो कैसे उसको उससे उभारा जाए, इसके लिए हमने तो फीस की बढ़ोतरी नहीं करी, इसके लिए हमने संस्था की कोई भी पूंजी जो थी उसको बेचा है, हमने उसके लिए एफर्ट्स किए जो उसका स्टाफ था उन सबके साथ बातचीत की, हमने नए ऐसे इंस्टीट्यूट उसमें खड़े किए जिसकी वजह से वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। और आज की तारीख ना हमने किसी से जा कर के उसके लिए कहा कि भाई आप दानदाता हो, आप इसके लिए दान दो ताकि आगे बच्चों का उद्धार हो सके। मैंने वहाँ पे बच्चों के स्कूल पे प्राइमरी स्कूल चलता था,
एक वहां पे हायर सेकेंडरी स्कूल था, वहां पे लड़कियों की पढ़ाई के लिए कोई इंस्टीट्यूट नहीं था, कोई कॉलेज नहीं था। लड़कियां भी जो जनरल कॉलेज था उसी में जाकर के वो एजुकेशन के साथ अपनी पढ़ाई करी। मैंने सबसे पहले राजस्थान के जो एजुकेशन के मिनिस्टर थे गुलाब चंद कटारिया जी, उनको संस्था ने बुलाया और उनको बुला करके यहाँ सारे स्टाफ के मजबूत किया, बच्चों से मिलाया। मुझे याद है वो उसका दिन था, राज्य स्थापना दिवस होता और उस दिन मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि हम यहाँ लड़कियों का कॉलेज बढ़ना चाहते हैं, बिना सरकार की अनुमति के बिना कॉलेज बढ़ नहीं सकते। आप एजुकेशन मिनिस्टर हो, आप हमें मंजूरी प्रदान करो, हम यहाँ कॉलेज शुरू करें। उन्होंने कहा कि आप फॉर्म पूरे कर दो तो कल ही कॉलेज में। मैंने पहले से ही नक्शा बना करके रखा हुआ था, जहाँ हमारे 8 कमरे थे जिसमें प्राइमरी स्कूल करने का रखा था, उसको कहीं दूसरे जगह शिफ्ट कर लूँगा और इनके अंदर इनकी रिपेयर करा करके कॉलेज शुरू कर दिया। उनके सामने जब मैंने नक्शा रखा तो जब वो अपनी स्पीच कर रहे थे, उन्होंने तुरंत मेरी बात को स्वीकार किया और उसी सेशन से हमें होम साइंस कॉलेज दिया। आपको सुनकर के हैरानी होगी, पूरे राजस्थान प्रदेश में होम साइंस कॉलेज या तो बीकानेर यूनिवर्सिटी के अंदर है, दूसरा कॉलेज अगर चल रहा है तो वो संगरिया के प्रावधान विद्यापीठ में चल रहा है। हमने केवल राजस्थान में उस एजुकेशन इंस्टीट्यूट को बड़ा नहीं किया, क्योंकि माता अति देवी के नाम से वो राम भी गर्ल्स कॉलेज बनाया, स्कूल बनाया जिससे ग्रामीण अंचल के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, जिनको कोई फीस नहीं देनी पड़ती, बसें लगाई, उन बच्चों के अंदर उनको कोई किराया नहीं देना पड़ता आने जाने में। हमने बिल्कुल मुफ्त में कैसे बच्चों को शिक्षित किया जा सके उसके लिए भी कदम उठाए। और इसके बाद मैं यहाँ जब आज आपके फंक्शन में आने से पहले यहाँ जो जनता गर्ल्स कॉलेज पढ़ा हुआ है पीजी कॉलेज में, उसमें मुझे 2-3 दफा जाने का मौका मिला। मैं उसके लिए भी बधाई दूंगा हनुमान जी को फिर से, उनकी पूरी टीम ने एक ऐसा एजुकेशन का इंस्टीट्यूट खड़ा किया जिससे हमारे पिछड़े हुए एरिया की बच्चियों को सबसे बड़ा फायदा हुआ। मैंने उसके अंदर भी अपनी जो जिम्मेवारी बनती थी विधायक के नाते उसको निभाया। हो सकता है कि मैं उस जिम्मेवारी को जितना मुझे करना चाहिए था उससे आज भी कम कर पाया, लेकिन मैं अपने आप में इस बात को लेकर के संतुष्ट हूँ कि मुझे जब इस बात का पता चला कि हाँ इस इलाके के अंदर 850-850 बच्चियों के लिए एक कॉलेज बनाया गया है, वो भी किसी सोसाइटी ने बनाया है, मैं जब गया तो मैंने अपनी तरफ से जो हो सकता उस सोसाइटी को दिया और बच्चों को उसका काम दिया। आप लोगों ने भी जो मिशन शुरू कर रखे, मुझे खुशी होगी कि आप भी समय समय पर मुझे अवगत करा। आप मुझे बताओ मैं आपकी कैसे मदद कर सकूं, आपको भरोसा दे सकता हूँ कि आपके किसी भी काम में सरकार की तरफ से कोई अड़चन आएगी तो उसको भी ठीक करा कर दे। आपके मिशन में आपके सामने कहीं जो धन की रुकावट आएगी उसको भी मैं आपके साथ खड़ा होकर के पूरा कर दे। आदमी को जब सेवा की बात आती है तो फिर मान के तो कोई भी व्यक्ति किसी मिशन को लेकर के जब आगे बढ़ता है तो फिर भी उसके सामने बहुत सारी रुकावटें आती हैं। अगर वो रुकावटों को देख कर ये मान ले कि मैं इस मिशन को आगे नहीं बढ़ा सकता, मुझे सक्सेस मिलना मुश्किल है, मेरे सामने बहुत सारी रुकावटें आ जा करके खड़ी होगी, तो फिर जो व्यक्ति इस मिशन को लेकर के करता है उससे लोगों का विश्वास खत्म हो जाता है। इसलिए जिस भी मिशन को लेकर के आप चले हो उसमें कोई रुकावट है तो आप मेरे से क्योंकि मैं आपका नुमाइंदा हूँ और मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं आपकी हर संभव मदद करूँ। मैंने दीपक जी से कहा था कि आपके मिशन में कहीं रुकावट है तो मुझे बताना, मैं आपके साथ खड़ा होकर के आपकी मदद करूँ। जैसे डॉक्टर आर्यन सिंह ने जो हरियाली का काम शुरू किया बहुत बड़ी चीज़ है। हमारे यहाँ पे मान के चलो कि आज की तारीख में भी हमारे देश के अंदर पूरी दुनिया से
जो ग्रीन भी होनी चाहिए, जो ऑक्सीजन हमें मिलनी चाहिए, जिस तरह का सबसे बड़ा कारण जो है आदमी की जिंदगी में सबसे ज़्यादा जरूरत है किसी चीज़ की, ऑक्सीजन की है। हमारे यहाँ तो ऑक्सीजन की कम मात्रा की वजह से अनेक लोगों को जिंदगी से हाथ होने पड़ते हैं, अनेक तरह की बीमारियाँ भी आ काबू करती है। ये आपका मिशन बहुत बड़ा है। मैं आप सब गलत के लोगों से एक रिपोर्ट करना चाहूँगा, आप सब एक यूनाइटेड इकट्ठे हो, एक मिशन जो है, एक काम और शुरू करो, जिसका रिजल्ट है आज की तारीख के अंदर हमारा जो ये इलाका है सारा का सारा, चाहे वो आपका शहर है, चाहे लगते हुए गाँव है। कभी पंजाब के अंदर सुना करते थे कि नशे का बहुत बड़ा प्रभाव है, बहुत बड़ा चलन है, आज की तारीख में हमने पंजाब को पीछे छोड़ दिया। आज तो हर गांव के अंदर, हर शहर के अंदर, हर गली के अंदर चिट्ठे का कारोबार चल रहा है, स्मैक का कारोबार चल रहा है, इसीलिए गोलियां, इसीलिए कैप्सूल दिए जाते हैं। और ये काम कोई और लोग नहीं कर रहे, जो लोग सरकार के साथ जुड़े हुए हैं कोई लोग इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। कोई भी काम बिना सरकार के संरक्षण के नहीं हो सकता। और सरकार ने अगर मान लो कोई दूसरा व्यक्ति बिना सरकार के संरक्षण का हमारे यहाँ होकर गुस्सा ले चेत तो पुलिस शाम को उसको गिरफ्तार कर रही है, पकड़ कर पुलिस इन लोगों पर इसलिए हाथ नहीं डाल रही कि इनको सरकार की तरफ से आशीर्वाद है, और जहाँ इनको आशीर्वाद है वहाँ इन लोगों का पुलिस के साथ भी कहीं ना कहीं ऐसा संबंध हो गया कि उनका भी हिस्सा इसमें रखा गया होगा। इसलिए पुलिस जो है इन सब चीज़ों का विरोध करने की बजाय, पकड़ने की बजाय ऐसे लोगों को देखते चला पीछे भेजने की बजाय नई पीढ़ी को ऐसे बर्बाद हो रही है, इस तरह से इस नशे को बढ़ावा मिल रहा है। आप सब लोग इसके एक मिशन बढ़ा दो, अपने शहर से शुरुआत करो और शहर के लोगों को साथ जोड़ोगे, जितने लोग आज आपके बीच में बैठे हैं इन सबको अपने साथ रहो और दूसरे साथियों को शहर में पहले दो तीन चार दिन सबसे मिलकर उनसे कहो अरे इस नशे के खिलाफ एक बड़ा कैंडल मार्च शहर में निकालो और शहर के लोगों को इस नशे के खिलाफ जागरूक करो, शहर के लोगों में जागृति ला करके इसका विरोध करो, पेपर्स करो, पुलिस को सरकार को मजबूर करो कि वो इस तरह के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे, ऐसे लोगों को पकड़ करके जेल की सलाखों के पीछे भेजे, तब जाकर के यही आपका भविष्य बच पाएगा, अन्यथा ये मान के चलो चाहे आप हम कितनी संस्थाएं चला लें, अगर ऐसी चीज़ों का विरोध हम नहीं करेंगे विरोध करके तो उसका नुकसान हमारी आने वाली पीढ़ियों को बहुत बड़ा होगा। मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप जिन तरह से अलग अलग क्लब के माध्यम से लोगों की सेवाएं कर रहे हो आप इसके खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू करने का काम करोगे। मैं तो हमारे प्रधान जी से भी कहना चाहूँगा कि आप बच्चियों को एक दिन कॉलेज की सारी बच्चियों को शाम के समय कैंडल मार्च के रूप में शहर के अंदर जाओ और सबको तक किया तो उनके हाथों में कि हमें नशे से बचाया जाए, हमारे यहाँ बात को नशा मुक्त किया जाए, जहाँ वो बच्चियाँ पहले इस तरह का मार्च यहाँ पर करें, उसके बाद आप एक ऐसा मार्च तकतियाँ बना करके उनके लिख करके शहर के लोगों को साथ लेकर के पूरे शहर के अंदर एक बड़ा मार्च करो ताकि इस नशे के ऊपर हम खुश रहें और हमारी नई पीढ़ी को इसके